सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि मिल सके आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, निर्जला एकादशी पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कथा। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में ब्रह्म नाम वाली अग्नि है जो मैं भोजन के लिए बिना नहीं रह सकता। दोस्त, भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना कठिन रहता है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिससे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में दो व्रत मैं तो नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने के लिए मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो सकता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाते हैं। यदि एकादशी और सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण रहित सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता।
इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, अतः वे नरक में जाते हैं। इससे निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। वह चाहे ब्राह्मण हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना निर्जला एकादशी पौराणिक व्रत कथा। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके हर हमारी अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले। धन्यवाद।